दोस्तों, ये न्यू सेशन 2024 के लिए हमारी पहली क्लास है और बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्लास आपको इस चैनल पर रेगुलर मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का ये पहला लेसन, ए लेटर टू गॉड। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें, क्योंकि अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी इस चैनल पर बहुत अच्छे से, यदि आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखिएगा, व्हाट आर रेनड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, साथ ही साथ मैंने हिंदी भी प्रोवाइड करा दी है ताकि इन फ्यूचर आप जो है खुद से भी इसका अर्थ निकाल पाएं, और साथ साथ नोट्स बना लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाते, तो इस तरीके से वीडियो में देखते रह जाओगे, आपको अपने हाथों को मतलब हाथों से लिखना ही पड़ेगा, तभी आपके जो है पूरी अच्छी तरीके से तैयारी हो पाएगी। तो सबसे पहला ये हमारा जो क्वेश्चन हो गया, तो अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, यानी बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई है और क्यों। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, आइए उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉन्स 5 सेंट एंड 10 सेंट पीसेज। तो यहाँ पे ये है कि वर्षा की तुलना नए सिक्कों से की जाती है, यानी 5 सेंट यानी कि पैसे लगा लीजिएगा आप, या 10 सेंट के टुकड़ों से की जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, इट इज़ बिकॉज दे प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अच्छी फसल और अच्छे पैसे का क्या किया है, वादा किया है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, तो वो हमारा क्या देखिएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, यानी अच्छी फसल की सच्चाई क्या थी, ये हमको इसमें बताना। तो बहुत छोटा इसका आंसर है, अच्छे से देखिएगा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, यानी फूलों से लदे पके मकई के जो खेत हैं वो हमेशा अच्छी फसल का क्या करते हैं, वादा करते हैं। बहुत छोटा आंसर है, अच्छे से देख लीजिएगा। सारे ये नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा इनको। उसके बाद में देखिएगा, तीसरा इसमें जो क्वेश्चन है हमारा उसकी बात कर लेते हैं, हाउ डिड लेंचोज प्रोडक्शन अबाउट रैन कम ट्रू। तो बारिश के बारे में जो लेंचो की भविष्यवाणी कैसे सच हुई, ये हमें इसमें बताना है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, देखिएगा, लेंचो सेड दैट दे वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, यानी लेंचो ने कहा कि वे वास्तव में कुछ पानी जो है प्राप्त करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए आगे होता है, हिज प्रोडक्शन का केम ट्रू व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग ड्यूरिंग द मील। उसके बाद में क्या होता है कि उसकी भविष्यवाणी जो है सच हुई जब भोजन के दौरान जो है बारिश होने लगी, यानी उसने पहले ही भविष्यवाणी की थी जब भोजन के दौरान क्या हुआ कि बारिश जो शुरू हो गई, तो इस तरीके से उसकी जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल कैसी हो गई, सही साबित हुई, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, इसमें जो चौथा क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा, वाई वाज लेंचो सोल फेल्ड विद सोरो, यानी लेंचो की आत्मा जो है वो दुख से क्यों भर गई थी, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर देखिएगा, बहुत सटीक आंसर है, बहुत अच्छे से देखिएगा, लेंचो सोल वाज फेल्ड विद सोरो बिकॉज हिज क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स। इसमें क्या है, लेंचो की आत्मा जो है वो दुख से भर गई थी क्योंकि उसकी जो फसल है वो ओलों से क्या हो गई, पूरी तरीके से नष्ट हो गई। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे आंसर हो गया। हम बात करते हैं इसमें अपने दूसरे क्वेश्चन की, देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, काफ़ी आसान है, आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और मैं कई बार बोलता हूँ कि आप नोट्स बनाइएगा, नोट्स एग्जाम के समय में काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, यहाँ पे परिवार जो वास्तव में दुखी क्यों नहीं था, यानी लेंचो की बात की जा रही है यहाँ पे, तो लेंचो का परिवार जो वास्तव में दुखी क्यों नहीं था। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, देखिएगा बहुत ध्यान से, इवन आफ्टर फेसिंग रिविन लेंचोज फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, यानी खंडहर का जो है सामना करने के बाद भी लेंचो का परिवार वास्तव में परेशान नहीं था। इसका क्या कारण था, देखिए, दिस वाज ड्यू टू हिज इमेसेंस फेथ इन गॉड। और इसका जो है इसका क्या था कि जो लेंचो था, लेंचो का जो है किसमें, ईश्वर में या फिर भगवान में क्या था, अटूट विश्वास था, ठीक है। एंड ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम, और उसे ये विश्वास था कि भगवान ही जो उसकी सहायता करेंगे। तो ये इस तरीके से क्या था कि परिवार जो इस बात को लेकर के मतलब जो है अपसेट नहीं था, या कह सकते दुखी नहीं था। अब हम बात करते हैं इसमें अपना 6 नंबर क्वेश्चन, जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीट वाले क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। Why did the postmaster send a reply to Lencho's first letter addressed to God? यहाँ पे postmaster ने Lencho के पहले पत्र जो भगवान को लिखा था का जवाब क्यों दिया? तो इसमें देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इस बार पूछ लिया गया था। अब इसका आंसर देखिएगा, द पोस्ट मास्टर वाज ए काइंड हार्टेड एंड एमेबल मैन, यानी जो पोस्ट मास्टर क्या था कि एक दयालु और मिलनसार आदमी था, मतलब बहुत ही दयावान कह सकते हो आप उसके लिए। उसके बाद देखिएगा आगे इसमें, ही वाज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फर्म फेथ इन गॉड एंड टू सस्टेन दैट फेथ,
उसके बाद में क्या होता है कि भाई लेंचो के ईश्वर में जो है उसका दृढ़ विश्वास था, इससे काफ़ी मतलब जो वो प्रभावित हुआ और उसका जो है वो ये देखिए सस्टेन दैट फेथ, यानी उसका विश्वास बनाए रखने की, सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना। ही सेंट ए रिप्लाई टू लेंचो, उसने क्या काम किया कि लेंचो का जो है जवाब जो है उसने भेजा, ठीक है, उसका मतलब विश्वास बनाए रखने के लिए उसने क्या काम किया, लेंचो के पत्र का कह सकते हो जवाब दिया। उसके बाद में देखिएगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। उसके बाद देखिएगा इसमें हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, हाउ वाज लेंचोज हेल्प्ड, यानी लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई ये हमें बताना है। देखिएगा तो इसका बहुत छोटा सा आंसर है, लेंचो वाज हेल्प बाय द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉय जस्ट बाय सेंडिंग हिम 70 पीसोज, यानी लेंचो और पोस्ट मास्टर उसके कर्मचारियों में सिर्फ 70 पीसोज भेजकर ही उसकी मदद की गई, उनको उन्होंने जो मदद की थी उसकी क्या की थी 70 पीसोज जो है उसको दिए थे, तो इस प्रकार उसकी जो मदद की गई। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, वाई वाज लेंचो एंग्री वैन ही रिसीव द लेटर, यानी लेंचो को जब पत्र मिला तो वह क्रोधित क्यों था ये हमें बताना, तो इसका आंसर देखिएगा, लेंचो वाज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सिंस इट वाज लेस देन द अमाउंट। उसके बाद देखिएगा लेंचो ने पैसे गिनने पर क्या हुआ, उसको गुस्सा आया, जब उसने पैसे गिने तो उसको गुस्सा आया क्योंकि उसमें जो राशि थी या पैसे थे वो क्या थे, यानी जो वो चाहता था जो उसने मांग की थी उससे क्या थे वो, ही हैड आस्ट, जो उसने आस्ट फॉर, जो उसने मांगे थे जो उसने पूछे थे उसके लिए मतलब जो वो पैसे कम बैठे, तो इसलिए क्या हुआ उसको जो है वो गिनते हुए गुस्सा आया। ही हैड फर्म फेथ दैट गॉड कुड नाइदर मेक ए मिस्टेक नॉर कुड डिनाई वॉट वॉज रिक्वेस्ट, और उसने ये कहा कि जो ईश्वर हैं वो कभी भी गलती नहीं कर सकते, यानी और जो उसने मांगा है ना तो उससे मतलब मना करेंगे और ना ही वो इनकार कर सकते, मतलब ना ही वो गलती कर सकते जो उसने जो है वो अनुरोध किया था। तो ये इसका आंसर हो गया। हम बात करते हैं इसमें अपना 9वां क्वेश्चन, ये इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लाइज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होता है ठगों का समूह या बदमाशों का झुंड, क्या आपके अनुसार पोस्ट ऑफिस की जो कार्यरत जो कर्मचारी हैं वो लोग जो है क्या मतलब ठगों का समूह है या बदमाशों का झुंड है, ठीक है, ये कई बार मीनिंग भी पूछ लेते हैं, तो बहुत अच्छे से देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द पोस्ट द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस वर नॉट क्रूक्स, यानी जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं वो बदमाशों का झुंड नहीं है कह सकते हो आप, दे हैड इनफैक्ट कलेक्ट द मनी टू गिव लेंचो एंड हेल्प हिम आउट। अब देखिए लेकिन उन्होंने वास्तव में लेंचो को देने और उनकी मदद करने के लिए क्या किया, धन जो भी एकत्रित किया था मतलब इकट्ठा किया था उसकी मदद करने के लिए। लेंचो कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक, और लेंचो उनको क्या पुकारता है, ठगों का समूह या बदमाशों का झुंड पुकारता है। एज ही थॉट दे स्टोल ए पार्ट ऑफ द मनी, यानी वह ये सोचता है कि उन्होंने जो उसका जो मनी का जो एक हिस्सा है वो चुरा लिया है। वेयर एज इट वॉज देम हु सेंड द मनी इन द नेम ऑफ गॉड, यानी जबकि ये वही थे मतलब ये वही लोग थे और जिन्होंने क्या काम किया, भगवान के नाम पर जो है लेंचो को पैसे भेजे थे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें अपने 10वें क्वेश्चन की, तो वो हमारा क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, व्हाट सरप्राइज लेंचो टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, इसका जो पत्र और पैसे पाकर आश्चर्यचकित था क्यों ये हमें बताना। तो देखिए इसका आंसर देखिएगा, लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर विद मनी इन इट, यानी लेंचो पत्र में पैसे मिलने पर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, यानी बिल्कुल मतलब कतई नहीं हुआ, इस तरीके से भी ये हिंदी बोलचाल में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमारे हो गया इसका आंसर। अब हम बात करते हैं इसमें अपने 11वें क्वेश्चन की, तो व्हाई डिड द पोस्ट मैन लाफ हार्टली, ठीक है, तो इसमें डाकिया दिल खोलकर क्यों हंसा। तो देखिएगा इसका आंसर देखिएगा, द पोस्ट मैन वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली बिकॉज ही हैड सीन ए लेटर एड्रेस टू गॉड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर, यानी डाकिया दिल खोलकर हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया क्योंकि उसने अपने करियर में पहली बार मतलब इससे पहले पूरे अपने जो जीवन काल में या करियर में कह सकते हो भगवान को संबोधित पत्र जो देखा था, तो उसने हंसी नहीं रुकी क्योंकि कोई भी जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा मतलब भगवान के साथ पत्राचार कर रहा, तो ये बात उसको काफ़ी एकदर तरीके से हंसाने वाली लगी, तो ये वो हंसने लगा, उसको मूर्ख समझ रहा था ऐसा कुछ उसके दिमाग में था। उसके बाद में 12वें क्वेश्चन की देखिए बात करते हैं, व्हाट वाज लेंचोज रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, देखिए ये घुमा फिरा के वही क्वेश्चन फिर पूछ लिया यहाँ पे, ये जो 2023 बोर्ड एग्जाम में DI का एक सेट था उसमें आया था। वैन लेंचो काउंट यानी डाकघर के कर्मचारियों के लिए लेंचो की टिप्पणी क्या थी ये हमें बताना, तो इसका जो आंसर है देखिए, वैन लेंचो काउंट द मनी, यानी जब लेंचो ने पैसों को गिना, ही फाउंड ओनली 70 पीसोज, तो उसने केवल कितने पैसे पाए, 70 पीसोज पाए इन स्टीड ऑफ 100, मतलब कितने 100 में से उसको कितने पैसे मिले, 70 पीसोज। ही डाउटेड यानी उसे संदेह हुआ दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड टेकन आउट 30 पीसोज, उसे ये संदेह हुआ कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने उसके 30 पैसे जो है क्या कर लिए हैं, ले लिए हैं या फिर यहाँ पे स्टॉलिन मतलब चुरा लिए, ये भी आप लगा सकते हो। सो ही रिमार्क देम ए बंच ऑफ क्रूक, तो इसीलिए उसने क्या काम किया, उन्हें बदमाशों का झुंड बताया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करते हैं इसमें अपने 13वें क्वेश्चन की, तो देखिए 13वां हमारा क्वेश्चन क्या है,
हु मेड लेंचो एंग्री, यानी किसने मतलब जो है लेंचो को जो है क्रोधित किया, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑन सीइंग दैट ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पीसो, यानी ये देखकर कि उसे केवल 70 पीसो ही जो है वो मिले हैं, ही थॉट मतलब वह सोचता है दैट द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ मनी, और उसने ये सोचा कि डाकघर के कर्मचारियों ने उसके बाकी बचे हुए रेस्ट ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, बाकी बचे हुए पैसे जो है उसने चुरा लिए हैं। दिस मेड लेंचो एंग्री, तो इस चीज़ ने क्या काम किया, लेंचो को जो है गुस्सा आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा हम बात करते हैं इसमें अपने 14वें क्वेश्चन की, तो वो हमारा क्या है, देखो 14 नंबर पर, वट वॉज सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचोज, यानी इसमें लेंचो के परिवार के लिए एकमात्र आशा क्या थी, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। लेंचो एंड हिज फैमिली सिंगल होप वॉज द हेल्प ऑफ गॉड, यानी लेंचो और उसके परिवार की एकमात्र मतलब आशा ईश्वर से सहायता की थी, भगवान से हेल्प की थी, मदद की थी, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, लेंचो बिलीव दैट गॉड सी एवरीथिंग, लेंचो का भी विश्वास था कि जो भगवान है वो सब कुछ देख रहा है, ये बात बिल्कुल सच है। उसके बाद में गॉड कैन सी डीप इन टू वन कंसाइंस, और भगवान किसी के विवेक में गहराई से देख सकते हैं, ठीक है। वो ये कहता कि किसी के भी विवेक में जाकर के भगवान देख सकते हैं, भाई भगवान तो सब कुछ देखते हैं। उसके बाद में देखिएगा 15वां हमारा क्वेश्चन, उसकी हम लोग बात करें और अंतिम क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड, ठीक है। ये 2023 DL के उसमें आया था। उसके बाद में देखिएगा इसमें पूछा कि लेंचो ने भगवान को लिखे अपने पत्र में डाकघर के कर्मचारियों को क्या कहा, तो देखिएगा ये देखिएगा ध्यान से, तो ये वही क्वेश्चन फिर इन्होंने लौट के वही आ गया, देखिएगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर, लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रू, यहाँ पे क्या होता है कि लेंचो डाकघर के कर्मचारियों को बदमाशों का झुंड कहता है या ठगों का समूह कहता है, ठीक है। क्योंकि अब उसमें देखिएगा बिकॉज, क्योंकि ही थॉट वह सोचता था दैट देव हैव स्टोलन 30 पीसोज, क्योंकि वो सोचता था कि उन्होंने उसके 30 पीसोज जो है वो क्या कर लिए, चुरा लिए हैं। विच गॉड हैड सेंड टू हिम, यानी जो भगवान ने उसे भेजे थे वो पैसे चुरा लिए हैं। तो देखिएगा ये आपका हो गया। तो इसी तरीके से आपको सारी क्लासें रेगुलर आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलती रहें।